सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन की तरह फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इजी एडिटिंग सिखाने वाला हूं कि किस तरह आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के फोटो को आईफोन की तरह एडिट कर सकते हो। बहुत ही रियल वीडियो है आज की वीडियो, स्पेशल उन दोस्तों के लिए होने वाली है जिनके पास आईफोन नहीं है यार और वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन की तरह फोटो एडिटिंग करना चाहते। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँ, दोस्तों अगर आप अपनी वीडियोज़ को आईफोन की तरह एडिट करना चाहते हो तो इसके लिए आप, मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने आप दोस्तों को वीडियो एडिटिंग बताया था कि आप आईफोन की तरह अपने वीडियो में कलर ग्रेडिंग किस तरह कर सकते हो। न्यू एप्लीकेशन है, एक बार इसको लाजमी से चेक करें। अगर आप स्मूथ तरीके से स्लो मोशन अपने वीडियो में एड करना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने अभी वीडियो अपलोड की है, वो आप चेक कर सकते हो। को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइल की और न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। सो प्यारे भाइयों, आपके लाइक करने से कुछ जाने वाला नहीं है, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। अभी से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये एप्लीकेशन आपके पास पहले से है तो मैं आप दोस्तों को इतना रिकमेंड करूँगा कि आप इसको प्ले स्टोर से अपडेट करो। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर से जब इसको आपने अपडेट कर देते हो तो इसमें जो न्यू फीचर आए हुए हैं इससे दोस्तों आपकी वीडियो और फोटो की जो सेविंग के बाद जो रिजल्ट होता है वो अच्छा आएगा दोस्तों। किसी किस्म की दोस्तों रिजोल्यूशन नहीं पटेगी, आपका रिजोल्यूशन खराब नहीं होगा अगर आप इसे फोटो एडिट कर लेते हो या फिर पिक्चर एडिट कर लेते हो। अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह आप फोटो एडिट कर सकते हो। चलिए इस पिक्चर को हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर एडिट पर आएंगे। यहाँ पर एडिट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल सा दोस्तों, फर्स्ट आप इस पर अपने क्लिक कर देना है। वर्म पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो जो फोटो का रिजल्ट, वीडियो का रिजल्ट वो अच्छा नहीं आएगा। सिंपल सा दोस्तों एनहेंस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने फिल्टर पे आना है। फिल्टर पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक फिल्टर मिल जाता है बाजार, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर अब फिर से आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने 10 पे रख देना है। ठीक है, 10 पे रखने के बाद दोस्तों आपने फिर से एडजस्टमेंट पे जाना है। मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी है, कोई भी बंदा कर सकते हैं। ब्राइटनेस पे जाना है और इसको यार वो वीडियो की तरह आपने फुल कर देना है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हो, जिस तरह लोग आईफोन में कर लेते हैं इस तरह आप एंड्रॉयड में भी कर सकते हो। इसको कर लेते हैं मुकम्मल इमन पे 100 पर। जो वाइट पॉइंट है इसको भी हाई कर लेते हैं और जो हाइलाइट्स है इसको पीछे की तरफ लेके जाते हैं और जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है शेड को वो अपने हिसाब से अपने रख देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्शन को आपने फुल कर देना है और यहाँ पर वन मंथ्स को भी थोड़ा सा आपने 47 पर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो स्किन है ना, स्किन टोन को अपने मुकम्मल मनफी 100 पर लग देना है। ब्रू को हाई कर देना है, पॉपअप को ख़त्म कर देना है, शार्पन को ज़्यादा कर देना है। अब आपकी वीडियो का फोटो का रिजल्ट मुकम्मल ख़राब हो चुका है, अब कमाल देखो। यहाँ पर आपने आना है वाइट पे, वाइट पॉइंट को अप पे आपने आना है, इसको मुकम्मल कम कर देना है। ठीक है, 6 पर रख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो ब्राइटनेस हो इसको थोड़ा सा कम कर देना है अपनी वीडियो के फोटो के हिसाब से। अब अपनी वीडियो का फोटो का सॉरी रिजल्ट आप लोगों के सामने है किस तरह नज़र आ रहा है। ब्लैक पॉइंट को थोड़ा सा अपने मनफी 3 पे रख देना है। स्ट्रक्चर मुकम्मल ठीक है। यहाँ पर वर्म को अपने यहाँ पर 0 कर देना है, कोई मसला नहीं है। सो इस तरह जितना दोस्तों आप आराम से करोगे उतने ही आपके फ़ोटो का रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, 56 पे आपने मनफी 56 पे दोस्तों आपने रख देना है। स्किन टोन को, ब्लू टोन को मुकम्मल कर देना है और यहाँ से दोस्तों पॉपअप को आपने नहीं छेड़ना है। शार्पन को आप मुकम्मल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मुकम्मल करोगे तो आपकी जो फ़ोटो का रिजल्ट आएगा वो दोस्तों मुकम्मल HD 4K में दिखेगा। उसके बाद विनिट है, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने भीर से थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है फ़ोटो के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ आपने कर देनी है यहाँ पर, ताकि आपकी जो फ़ोटो का कलर है वो मुकम्मल हाई आईफोन की तरह। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शाइनिंग भी आ चुकी है हमारे वीडियो फोटो में। जितना दोस्तों आप आराम से करोगे उतना ही आपकी जो फ़ोटो का रिजल्ट है वो बेहतर नज़र आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कमाल देख सकते हो। फिल्टर पर हमने आना है। फिल्टर पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम व्यूड पे सेलेक्ट करेंगे। व्यूड को कोई मसला नहीं है, व्यूड पे हमें अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। सो सिंपल सा अल्फा पे सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी हमारा रिजल्ट ख़राब हो रहा है। तो मेरा मतलब है कि आपने बाज़ार पे सेलेक्ट कर देना है या फिर नन पे रख देना है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने फ़ोटो को भी यहाँ पर आईफोन की तरह एडिट कर सकते हो, वो अभी आपकी मर्ज़ी होगी। ठीक है,
सो बेस्ट एप्लीकेशन है, एक बार लाजमी से इसका यूज़ भी करें, और साथ में अगर आप अभी तक आपने इसको अपडेट नहीं किया तो यार प्ले स्टोर से भी अपडेट करें तो तभी यह रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद सेव करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सेव टू कॉपी पर अपने क्लिक कर देना है तो ये पिक्चर आपके पास सेव भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप दूसरों को पसंद नहीं होगी। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।